खुदा जाने कहाँ गया होगा। अम्मा मुझे परवाह नहीं है उसकी, जहाँ मर्जी जाए वो। ये सब शुजात का कसूर है। अगर बेटे को इस तरह आजाद और तनहा न छोड़ा होता तो उसे आज रिश्तों का एहसास भी होता और कदर भी। सुनिए फोन आ रहा है, पता नहीं किसका नंबर है। हेलो जी, जी जी मैं फसाद हुसैन बोल रहा हूँ, वकार मेरा भतीजा है। जी जी क्या? जी जी मैं अभी फौरन आ रहा हूँ। क्या हुआ? अस्पताल से फोन था, कहते हैं वकार की हालत बहुत सीरियस है। मैं देख के आता हूँ। इंसान मुझे लगता था कि शायद उसे सिर्फ रिश्तों का ही एहसास नहीं है, उसने तो अपनी भी परवाह नहीं की। उसने तुमसे कभी कोई जिक्र नहीं किया। मुझे लगता था कि उनके साथ कोई मसला, उन्हें कहती थी कि आप डॉक्टर के पास जाएं, हमेशा यही कहते थे कि तुम मुझे कमजोर करना चाहते हो बस। दे दिया उसके गुरूर ने उसे। बच तो जाएंगे ना अम्मी? हमारे अब्बू बता रहे थे कि डॉक्टरों को तो कोई उम्मीद नहीं, अब उसका इलाज शायद किसी के पास नहीं, सिर्फ दुआ की जा सकती। शुजात भाईजान भी आ रहे हैं रात की फ्लाइट से। ताहिर जान कैसे बर्दाश्त करेंगे, कैसे देखेंगे वकार को? आपको पता है वो मुझसे वकार की तस्वीरें मांगते थे कि अहमद मुझे वकार की पिक्चर्स भेज दो। वकार को आज तक नहीं पता कि मैंने उनकी तस्वीरें भेजी। तुमने उन्हें कभी नहीं बताया कि वकार तुम्हारे साथ क्या क्या ज्यादतियां करता है? वो भी आप सबकी तरह यही समझते थे कि मैं उनके साथ एक आइडियल जिंदगी गुजार रही हूं। जो हॉस्पिटल जाना है। हरगिज नहीं है। अपने दिल में उसके लिए किसी अच्छे जज्बे को सर मत उठाने दो। वो पहले भी तुम्हारा नहीं था और अब तो बिल्कुल भी नहीं। जिस रिश्ते में आप लोगों ने मुझे उसके साथ बांधा है वो अभी तक कायम है अम्मी, और मैं इस मुश्किल वक्त में उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। मुझे प्लीज जाने दो। इश्क क्या है वकार, पास हो के भी दूर दूर रहना वकार, जिंदगी है प्लीज आके खोले। धूप छांव ये क्या हो गया आपको जीना।
कुछ भी नहीं होगा आपको, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपको पता है सब आपके लिए बहुत दुआएं कर रहे, मैंने भी किए। इस आंखें खोले वकार, कौन था बाहर? कोरियर वाला था, अली का जॉब लेटर आया। अरे मुझे पहले ही पता था, मेरे बेटे को बहुत अच्छी बड़ी जल्दी नौकरी मिलने वाली है। जॉब तो बाकी बहुत अच्छी है, पर आपके मुंह पे खुशी क्यों नहीं नजर आ रही? मेरे मुंह पर खुशी ना होने की वजह तुम जानोगी, तुम्हारे चेहरे की खुशी भी खत्म हो जाएगी। ऐसी क्या बात है आशा? ये जॉब कराची में है। बस आप इस खत को फाड़ दे और अली को नहीं बताना है मैंने इसके बारे में। सोच लो, अली को ये जॉब बहुत पसंद थी और उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि उसे ये जॉब मिल जाए। नहीं, मैंने अली को अब कराची नहीं जाने देना। ये भी तो हो सकता है कि एमन वापस चली गई हो। बेशक चली गई हो, मैंने ये खतरा उठाना ही नहीं है। बस इस खत को ना कहीं छुपा दें आप। ठीक है जी, हामिद क्या और मर्जी क्या, जैसे आपका हुक्म हो। ये लीजिए ये उसकी जॉब का लेटर, जहां आपका जी चाहे रहे। मेरा जिम्मा तो मैंने नहीं दिखाना उसे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम गुड़ी बाजी, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? नहीं नहीं अली, अच्छा किया तुमने मुझे कॉल कर ली, मैं खुद तुम्हें फोन करने वाली थी। क्या हुआ, आप सब ठीक है ना? नहीं अली, खैरियत नहीं है। रिवा जी, एमन तो ठीक है ना? वो एमन तो ठीक है, मगर वकार भाई को ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ और वो हॉस्पिटल में। ओह, क्यों ये सब इतना अचानक, कैसे? बस क्या बताऊं, अल्लाह जाने सब कुछ कैसे हो गया। जितनी ये बात तुम्हारे लिए शॉकिंग है, उतनी इस घर वालों के लिए परेशान कौन है। मैंने घर वालों को सब बता दिया? हाँ, सबने वकार के उस मासूम चेहरे के पीछे छुपे हैवान को देख लिया, और अब तो ऐमन भी उसके साथ ही जाना चाहिए। इसका तो ये हल ही कि अब ऐमन वकार को ऐसी हालत में नहीं छोड़ना चाहती। अच्छा नहीं, अच्छी बात है। रिबा जी, क्या मैं कोई कांटेक्ट करूं ऐमन से? हाँ अली, जब तुम्हारी उससे बात हो तो जरा तुम भी हौसला दो, वो बहुत परेशान है वकार की सेहत। मैं तुम्हें उसका नया नंबर टेक्स्ट कर देती हूँ। जी जी ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ नंबर का। अल्लाह खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।
बेटे, मेरी जान, उसे बात कर बेटा। यार तो नाराजगी छोड़ दे, मैं उसे बात कर। छोड़ देना नाराजगी। भाजन दवाई का असर है। दरअसल इस बीमारी को फेस करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए भाई। मैं करेज दूंगा अपने बेटे को, बहुत तड़पा हूं इससे मिलने के लिए, बहुत तड़पा हूं। एमन मुझे तस्वीरें भेजती रहती थी इसकी, लेकिन मिलने की तड़प कब नहीं होती। हौसला करो भाई, हौसला करो, हिम्मत। इसे अपनी मेडिकल रिपोर्ट से वाकिफियत है कि नहीं? वो दरअसल डॉक्टर्स ने कहा कि इसे कोई बात छुपाई ना जाए। भाईजान ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है अपनी बीमारी को। साहब अगर इसे कुछ हो गया मैं क्या करूं, ऐसा नहीं सोचते, हौसला कर, अच्छा सोचो, अच्छा होगा, चलो ठीक हो जाएगा ये। दुआ करो ना ये ठीक हो जाए। मैं दुआ कर रहा हूँ आप बेटा इसमें ठीक करो। यहाँ बैठो भाई, बैठ एक मिनट, बेटा पानी लेके आओ। आपको हौसले से काम लेना। मेरी जान, मेरा वकार। पता नहीं हम ये क्यों नहीं समझते कि इंसान के अमाल की पकड़ तो उस शाम में होनी होनी, लेकिन सजा सजा इंसान ऐसे दुनिया में भुगतना शुरू कर देते। वैसे वकार को इतना बेबस देखकर लगता नहीं है कि इसने सारी जिंदगी दूसरों को नहीं जीने दिया। मियां बीवी के दरमियान रिश्ता तो मोहब्बत और एतबार का होता है। हेमंत को तो ना मोहब्बत मिली ना एतबार। हैरत की बात है, कल तक हेमंत जिद करती थी कि मुझे वकार के साथ नहीं रहना, और आज उसी की दिमाग आ रही है। हेमंत को जानती है, वो बहुत अच्छे दिल की मालिक है। जिस शख्स ने उसे जिंदगी भर जख्म दिए कभी भी उसके जख्म बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उसने तो हमेशा से दूसरों के लिए जीना सीखा। मैं इस बार भी यही करेगी। तुमने ने तो कहा है कि मियां बीवी के बीच में सिर्फ मोहब्बत और एतबार ही का रिश्ता होता है, शायद उसी का सहारा लिए हुए। शायद, लेकिन काशा वक्त इंसान को कितना मजबूर और बेबस कर देता है। पता ही नहीं होता कि जिंदगी कब हमारे साथ कौन सा नया खेल खेलते। इसलिए तो कहते हो कि मुझसे लड़ा नहीं करो यार। मैं कब लड़ती हूँ आपसे? तुम ही लड़ती हो। फजूल की बातें कर रहे हो। देखा प्रूफ हो गया, बहुत लड़ा। थैंक यू माही। तुम्हारी बहनोई कैसे हैं? वो काशान गए थे उनसे मिलने के लिए।
अब बेहतर है। वैसे ये एमन और वकार के दरमियान कोई टेंशन चल रही है? जी आंटी। सॉरी, आई नो कि तुम लोग का बहुत पर्सनल मैटर है और मैं आई एम रियली सॉरी, मुझे इस बीच में नहीं बोलना चाहिए। नहीं आंटी, मुझसे जुड़े लोग और मुझसे जुड़ी कोई भी बात मेरे लिए पर्सनल नहीं। हाँ, मेरी माँ की तरह और बेटियां माँ से कुछ नहीं छुपाती। पता नहीं उस वक्त ये माँ कहाँ थी जब मैं इसके घर से लेने गई थी। ड्रामाबाज लड़की है ना आजकल। गॉड, वकार मेरी जान, कैसी तबीयत है यार? अब छोड़ भी देना राज की, आप चले जाएं यहां से। अब तो मैं नहीं जाऊंगा। क्यों आए हैं आप यहां पर? मेरे मरने का तमाशा देखने के लिए आए हैं? कैसी बातें कर रहे हो बेटा? ये तुम मेरी जान हो, तुमसे बढ़कर कोई और कैसे हो सकता है मेरी जिंदगी में? झूठे हैं आप, झूठ बोलते हैं। झूठा नहीं हूं बेटा, कभी तो मेरी साइड भी सुन लो, कभी तो मुझे सफाई का मौका दो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। बस कर देना अब नाराजगी। माफ कर देना अपने बाप को, जाने दे। ये ले अम्मा, खाना खा। मेरा दिल नहीं सो रही है। अम्मा दिल ना भी चाहे तो खाना खाना पड़ता है ना जिंदा रहने के लिए। क्या हो गया सुरैया? इतनी कड़ी आजमाइश, एक तरफ जवान पोती का घर उजड़ रहा है और दूसरी तरफ अकलौता जवान पोता मौत से लड़ रहा है। बस दुआ करे अल्लाह उसे इस बीमारी से लड़ने का हौसला। कैंसर जान लिए बगैर नहीं छोड़ता सुरैया। जिसने बीमारी दी है ना अम्मा, वही शिफा भी देगा इंशाल्लाह। मेरी शुजात से बात हुई थी, मैंने कहा कुछ देर के लिए घर आ जाओ। कहने लगा मैं बेटे से दूर नहीं होना चाहता, उसे अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दूंगा। काश उन्होंने ये सब पहले सोच लिया होता तो आज शायद ये हालात ही ना हो। बुजुर्गों का घर में होना बहुत जरूरी होता है अम्मा। बहुत गलतियां हुई शुजात से। उसने सलमा जैसी साबिर बीवी को अपनी लापरवाही और अयाशियों से गवा दिया, बेटे को अपने से दूर कर दिया। उसने कभी पलट कर हमें नहीं पूछा। रिश्तों के बगैर इंसान खुश बनने की तरह जिस पर न फल होता है न सब्जा और न साया। सही कह रहे हैं, रिश्तों के बगैर इंसान खोखला हो जाता है। मैं तो सोच रही
वकार का क्या होगा? उसे कौन संभालेगा? आज अगर अहमद से बनाकर रखा उसे उसके जायज हक दे देता तो अहमद सारी उम्र वफाशार बीवियों की तरह खिदमत करती। अहमद तो आज भी अपना फर्ज निभा रही है अम्मा, वो वकार का साथ नहीं छोड़ना चाहती। साथ भक्ति कितना बच्चा है मेरे बच्चे के पास कि अहमद साथ निभा सके। संभाले खुद को अम्मा। अम्मा रोए तो मत, पानी पी। अल्लाह मेरे बच्चे को मेरी जिंदगी दे दे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला बेहतर करे। थोड़ा सा खा लीजिए। पता नहीं मेरे बच्चे ने खाया होगा नहीं खाया होगा। अम्मा खा लीजिए खाना, खाइए, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आप खाइए खाइए ना अम्मा खाइए। वकार, वकार आपकी दवा का टाइम हो रहा है, उठ जाए। मुझे आप में से किसी की भी कोई जरूरत नहीं, चले जाएं। चलो मुझसे तो तुम नाराज हो लेकिन बाकी लोगों का तो ख्याल करो बेटा। भैयाजान ऐसी कोई बात नहीं है, दवाओं का असर है इसलिए थोड़े से चिड़चिड़े हो रहे हैं। क्यों झूठ बोलती हो? तो अब इनसे क्या छुपाना है? बता क्यों नहीं देती कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो? ये दिखावे नहीं किया करो मेरे सामने। भैया आइए, मेरा बाबू आइए आइए। Don't touch. तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा मोहताज बन के रह गया हूँ? मुझे नहीं जरूरत है तुम्हारी। लेकिन मुझे है आपकी जरूरत वकार, और कहीं ना कहीं आपको भी मेरी जरूरत है। यहाँ इस तरह इस बेड पे पड़े कभी सोचा था आपने? नहीं सोचा था ना, सब अल्लाह की मर्जी है। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, सुना? मैं जी लूंगा तुम सबके बगैर, जी लूंगा। सबके बगैर ही तो जिया है आपने। अब हम सबके साथ जी ले। और बताइए मम्मा, कैसी है आपके इस घर की महारानी? ठीक है, बिल्कुल खुश है माशाल्लाह।
अच्छा, ये काशान कहाँ है? माहिन को लेकर गया है, उसकी बहनोई की तबीयत ठीक नहीं है, उसे देखने गई। क्या बात है, बड़ा फर्माबरदार हो गया काशान। ससुराल की तिमादारियां निभाने का भी टाइम है उसके पास। अच्छी बात है ना। वैसे मूड कैसा है दोनों का? खुश हैं। आपका ख्याल रखते हैं, आपको टाइम देते। मुझे किसी के वक्त की जरूरत नहीं, मैं खुद में बहुत खुश हूँ। बस यही आपकी ना मुझे बात सबसे बुरी लगती है। क्यों जरूरत नहीं? बस आप यही करती हैं ना कि सबको अपने हाल पर छोड़ दिया, अब अगला क्या करेगा सिवाय अपनी मनमानियों के। वैसे माहिन खुद को बहुत केयरिंग साबित कर रही है। जाहिर है आपकी गुड बुक्स में आने के लिए। शीन तुम भी ना। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, आप भी कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। काशान कहाँ है? वो मुझे ड्रॉप करके ऑफिस चले गए। वो मम्मा अभी बता रही थी कि कोई तुम्हारे रिश्तेदार है जिसकी तबीयत ठीक नहीं है, कैसा है अब वो? वो मेरे बहनोई हैं, ऐमन के शौहर, अब काफी बेहतर तबीयत है उनकी। वैसे एक बात की तो दाद देनी पड़ेगी, मम्मा के पास और काशान के पास बड़ा ही फारिग वक्त है, जो दूर दराज की ससुराल की तिमादारियां निभाने के लिए भी चले जाते हैं। क्या बात है भाई। आप या कुछ लेंगी? आंटी मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना आप ही आज हमारे साथ लंच पे रुक जाएं। हाँ हाँ क्यों नहीं। काशान आएगा मामा? नहीं काशान नहीं आएगा, बता रहा था कोई मीटिंग है उसकी तो वो नहीं आ पाएगा लंच। बहन के लिए आना तो वैसे उसके लिए काफी मुश्किल हो जाता। मैं उन्हें फोन कर देती, अगर पॉसिबल होगा तो वो जरूर आ जाएंगे। नौशीन क्या हो गया है तुम्हें? वो बता कर गया है कि उसकी मीटिंग नहीं आ सकेगा, अब तुम्हें ये बात भी बुरी लग गई? नहीं नहीं मामा, मुझे बुरी नहीं लगी ये बात, मैं बस इस लड़की को एहसास दिलाना चाहती कि मेरे भाई के पास वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने ससुराल की तिमादारियों के लिए वक्त निकाल रहा है। कहाँ जा रही हो? मैं आती हूँ मामा, आती हूँ। कोशिश तो करें, शायद मैनेज हो जाए। आप आएंगे तो आप ही को बहुत खुशी होगी। अच्छा ठीक है, अगर आप आते तो अच्छा लगता है, कल बात बात करते हैं। काशान का फोन था ना, जाहिर है उसने आने से इनकार कर दिया होगा। अब नहीं अभी मेरी तो उनसे बात ही नहीं हुई, वो मीटिंग में है। तो क्या हुआ अभी? आप हमारे साथ लंच कर लीजिएगा, आंटी और मैं तो है ना। माहिन अगर इस घर में मुझे कुछ करना है तो क्या मुझे तुम्हारी प्लानिंग पे चलना पड़ेगा? ये मेरा घर है, मेरा जो दिल करेगा मैं कर लूंगी, इसके लिए मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। आप ही जो खुशी है कि आप शादी के बाद भी इस घर को अपना घर समझते हैं, वरना मेरे वालदैन तो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि शादी के बाद लड़की का असल घर उसका अपना ससुराल होता है। लड़की शादी के बाद अपने वालदैन के घर पे सिर्फ मेहमान बनकर आती है। कहना क्या चाहती हो तुम? देखिए आप ही, आप काशान की बड़ी बहन, मैं आपका बहुत एहतराम करती हूँ और चाहती हूँ कि यह एहतराम का रिश्ता हम दोनों के बीच में हमेशा बरकरार रहे। अच्छा रहेगा बरकरार ये रिश्ता?
वैसे ही सब कुछ नहीं होता शुजा, रिश्तों की भी अहमियत होती है जिंदगी में। तुमने कभी रिश्तों को अहमियत ही नहीं दी तो तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे ही नक्शे कदम पर चल रहा। मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ अम्मा, लेकिन मैं क्या करता, मेरी मजबूरी थी, दूसरी शादी करी, तनहा रह गया था अम्मा। और फिर शर्मा की डेथ के बाद वकार ने भी तो मुझसे बातचीत करना छोड़ दी थी। वो समझता था कि शायद सलमा की डेथ मेरी वजह से हुई। वो कहता है कि तुमने सलमा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा, तुम्हारे सख्त रवैये की वजह से सलमा ने मौत को गले से लगा। माँ, ये एक फितरी अमल है, जाहिर है औलाद हमेशा माँ की हमायत करेगी ना। बस करो, तुम्हारे सलमा के साथ सख्त रवैये से कोई इनकार नहीं कर सकता। क्या शम्मा में ये वक्त वापिस ला सकता? वक्त कभी वापस नहीं आता, ये पछतावे हैं जो एक बार जिंदगी से चिमट जाए ना तो फिर पीछा नहीं छोड़ते। वकार ने अमन के साथ जो कुछ भी किया अम्मा, सुन के मेरा दिल दहल गया। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरा बेटा ऐसा निकलेगा। बेटे के साथ वक्त गुजारा होता ना तो उसे समझ पाते। अमन सब कुछ भुला कर उसका जिस तरह ख्याल रख रही है अम्मा, मैं तो उससे क्या किसी से भी नजर मिलाने का सोच भी नहीं सक रहा। बहुत सब्र है मेरी अम्मा, तुम तक आंखों से बहता है, तुम जबान से कभी शिकायत नहीं, कभी किसी से शिकवा नहीं। काश मुझे ये सब कुछ पहले पता होता अम्मा, मैं शायद ये ना होने देता। अभी तक यहीं पे खड़ी हुई और घर चली जाती। आपके साथ जाऊंगी ना घर, जहां आप जाएंगे वही है ना मेरा घर। तुम हमेशा मुझसे कहती थी ना कि तुम मुझसे रिहाई चाहती, और मैं हमेशा तुमसे कहता था कि मैं तुम्हें कभी इस बंधन से रिहा नहीं करूंगा। भूल जाएं पुरानी बातें। देखो अब तो खुदा भी तुम्हारी मदद कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा कितने दिन और जी लूं, उसके बाद तुम आजाद हो जाओगी। ऐसी बातें मत कर वकार, मुझे नहीं चाहिए आजादी, मैं तो अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ गुजारूंगी। रिपोर्ट्स नहीं पढ़ी है क्या? ज्यादा से ज्यादा 2 महीने जीलूंगा मैं, कहाँ है मेरे पास? मैं हूं ना जिंदगी, नफरत भूल जाए,
और मोहब्बत से मेरा हाथ थाम ले। इश्क क्या है पास हो के भी दूर दूर रहना, जिंदगी है धूप छाओ के दरमियान जीना। हम यही है कहीं तू जहां मैं वहीं, हर जगह हर जगह। दिल है दो भी तो क्या धड़कने